वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर टू इक्वल कोर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोर्ड। एक का सेगमेंट इज इक्वल टू अदर के सेगमेंट के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना होता है, गिवन क्वांटिटी लिखनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल में दो इक्वल कोर्ड्स ले ली, ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट हुए पी पॉइंट के ऊपर और यहाँ हमारा सेंटर है और ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है हमें। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी डी एंड सी पी इज इक्वल टू BP, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो द गिवन क्वांटिटी वी हैव टू राइट हेयर। सो गिवन क्वांटिटी में हमें AB एंड CD आर टू कोर्ड्स विच इज गिवन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ और ए बी इज इक्वल टू सी डी दैट वी नो और पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट कलर से हम ज्वाइनिंग ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ओ और पी को ज्वाइन करते हैं। After that, we are going to draw a perpendicular on the AB, and also we are going to draw a perpendicular on CD. ठीक है, so ये हमारे लिए एक perpendicular है, ठीक है, जो हमने draw किया, right? So we can write here for the construction point of view, इसको हम नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं हम N। फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन राइट ड्रॉ ओ एम विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया और ओ पी को हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। वी कैन ऑल्सो राइट ज्वाइन ओ पी। ठीक है, तो हमने तीन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस किए। अब जो ए एम है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि किसी भी अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो वी कैन राइट दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ व्हाट ए बी। ठीक है, ए बी का अगर हम आधा करते हैं तो ए एम और एम बी मिल जाता है हमें। इसी तरह से दूसरी कोड की अगर बात करें और यहाँ पे हम सी एन को लेते हैं, ठीक है, सी एन को लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एन डी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट कंप्लीट कोड सी डी एंड दैट वी कैन राइट द कॉमन रीजन दैट परपेंडिकुलर from the center bisects the code ko bisect kar deta hai. Now we can also write here from this that AM is equal to ND. ए एम इज इक्वल टू एन डी एंड एम बी अनदर हाफ इज इक्वल टू अनदर हाफ सी एन। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो बोथ आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज दोनों कोड के हाफ हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम पी द, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं हम,
OMP, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम। और दूसरी जो हमारी रेड ट्रायंगल है वो है ONP एंड O, राइट। सो दोनों ग्रीन और रेड ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, दिस इज ग्रीन वन एंड अनदर इज द रेड वन, दैट ट्रायंगल इज ONP, राइट। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करते हैं तो OM इज इक्वल टू ON, बिकॉज दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल का, सर्कल पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी, अगर दो हमारे पास इक्वल कोड्स हैं और हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट मीन्स वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सेंटर। अनदर पॉइंट इज एंगल एट एम इज 90 डिग्री, दैट इज OMP हम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ONP। सो दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री ईच, इसलिए ये दोनों इक्वल कहे जा सकते हैं। और एक इसमें कॉमन साइड है, दैट इज OP, वो दोनों में बराबर है। तो अगर इस क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें तो दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल OMP इज कंकरेंट विद द ट्राइंगल ONP विद द क्राइटेरिया RHS, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस। नाउ इफ इट इज सो देन वी कैन से दिस MP इज इक्वल टू PN, MP इज इक्वल टू PN, अगर ऐसा है, ऐसा है CPCT के थ्रू, ठीक है। सो वी आर क्वाइट नियर टुवार्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। से हम ऐड करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर वन विद दिस, सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड करते हैं तो हम लिखेंगे AM प्लस MP इज इक्वल टू ND प्लस PN, ठीक है। और दैट इम्प्लाइज AM और MP को मिला के क्या बनता है, AP, ठीक है। और ND और PN को मिला के क्या बनता है, DP। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव फॉर द फर्स्ट पार्ट। अनदर वी कैन गो फॉर द अनदर पार्ट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट नियर। अब हम क्या करेंगे, तो सेकेंड पार्ट है हमारा इक्वेशन का, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, ठीक है। सो टू को वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास MB है, MB एक एंटायर साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से हम क्या घटाने वाले हैं, MP घटाने वाले हैं, ये वाला साइड, ठीक है। सो जब इस कंप्लीट में से MP घटाएंगे तो हमें PB मिल जाएगा, जिसका हमें रिलेशन निकालना है, राइट। सो MB माइनस MP एंड CN माइनस PN, सो दिस इज PB एंड दिस CN माइनस PN दैट विल गिव CP। सो ये हमें सेकेंड में प्रूव करना था, सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। सो दीज टू आर द सॉल्यूशन। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।